आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ NIOS क्लास 12th और हिसाब यानी मैथ का 311 का TMA जो 2022 और 23 का है, यानी जनवरी और अप्रैल में जो भरा जाएगा 2023 में। तो पहला सवाल है, मंदरजा सवालात में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। अगर किसी मुसलस के एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हिसाबी रजात ए पी में है और ए बी सी बला तरतीब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के मुकाबले अजला की लंबाई को जाहिर करके, तो इबारत को साइन ए और साइन टू ए की कदर मालूम कीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसे सॉल्व करा है, ए बी सी एक ए पी है और इसे इस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह करा है। साइन ए 60 है और दूसरा बी जो है वो ये 60 है और दूसरा रूट थ्री है, इसकी कदर जो दिया गया है रूट थ्री है, ठीक है। इस तरह ये पहला हमारा सॉल्व हो गया। इसी का दूसरा सवाल है, सवाल नंबर दो, के 10 जेल में से किसी एक सवाल का जवाब देना है। 100 तलबा एक क्लास में, 55 तालिबे तलबा रियाजी में और 67 तलबा तिब्बियात में पास करार दिए गए हैं। अगर कोई भी तालिबे इल्म फेल नहीं हुआ है तो सिर्फ तिब्बियात में पास होने वाले तलबा की तादाद मालूम कीजिए। तो सब जवाब नंबर दो इस तरह से लिखा है मैंने, 100, 55 और ये 67। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसे सॉल्व करा है और आखिर में सॉल्व कर आगे जो इसका जवाब आया 45, तिब्बियात में पास होने वाले तलबा की तादाद 45 है। सवाल नंबर तीन है कि मंदर जेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। बी 101 का 100 माइनस को तकसीम करने वाले सयादात की तजवीज़ कीजिए। तो एंगल थ्री दे रखा है आपके सामने इस तरह से और ये मैंने तजवीज़ करी है यहाँ पे इस तरह, और अगले पेज पे भी है ये देखिए, फिर यहाँ पे भी है ये देखिए, और यहाँ पे की कदर जो है इसकी आई है 10 की पावर 4। अब चौथा सवाल है, मंदरजा जेल सवालात में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। ए करा है मैंने, एजुकेशन लफ्ज़ का इस्तेमाल करके हरूफ मिल्लत को बिरूफ सही पर मुश्तमिल कितने 5 हरूफी अल्फाज बनाए जा सकते हैं, बशर्त ये कि दोनों हरूफ सही एक साथ हों। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं किस तरह मैंने यहाँ पे शो किया, इक्वेशन 3V2C, ठीक है। तो वोविल यानी कौन कौन से होते हैं, ई यू ए आई ओ 5 और सी कॉन्सनेंट जो हैं QTN है, ठीक है। तो 3 होते हैं, तो 5 में से सिर्फ 3 हरूफ और इनका इंतखाब, 3 में से सिर्फ 2 हरूफ का इंतखाब, कुछ कुल नंबर जो 5 हरूफ से बनते हैं ये लिखें। और यहाँ पे इस तरह आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया है। अगला सवाल है, मंदर जेल में से किसी एक सवाल का जवाब 100 से 150 अल्फाज में दीजिए। दर जेल सीरीज का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो हासिल जमा मैंने बनाया है, देख सकते हैं आप ये यहाँ पे पूरा हासिल जमा बना दिया। अगले पेज पे भी है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं अगले पेज पे ये आप इसमें से उतार लीजिए। अब जो है दर जेल में किसी एक पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। तो ये इसमें 6 सवाल आते हैं, बी करा है मैंने इसमें। पसंद ने 2 पासे बिला मंसूबा तौर पर फेंके, यानी ऐसे ही फेंक दी, दोनों पासों में मुख्तलिफ आदाद जाहिर हुए, यानी वो जो लूडो का दाना होता है। 10 जेल उफात का इस्तेमाल करें। अगर पासों पर जाहिर होने वाले आदाद का हासिल जमा 4 है, पासों पर जाहिर होने वाले आदाद का हासिल जमा 8 है, पासों पर जाहिर होने वाले आदाद का हासिल जमा 12 है, पासों पर जाहिर होने आदाद का जमा 4 का सिन्फ ज़ौफ़ है, पासों पर जाहिर होने आदाद का जमा ताक है यानी ऑड है, जाहिर होने वाले जमा मुनफरद आदाद है यानी प्राइम नंबर है। तो इसका जवाब देखिए मैंने कैसा लिखा, पासों पर जाहिर होने वाले आदाद का हासिल जमा 4 है, कुल नंबर तादादी मजमू सर्विस 36 है, 6 6 36 कुल नंबर 4 है, तो ये हो गया। कुल पासों पर जाहिर होने वाले आदाद का जमा 8 है, तो कुल नंबर 8 है, तो उसको इस तरह करेंगे। पासों पर जाहिर होने वाले आदाद का हासिल जमा 12 है कुल नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करा है मैंने। चौथा इसका ये, पासों पर जाहिर होने वाले हासिल जमा 4 है, मुमकिन नंबर यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने। तो इसमें जो है आपको पासों में इस तरह सॉल्व करना है सब।
तो पहले सवाल का जो जवाब था वो यही है, 500 में जाहिर होने वाले आदाद चार हैं, 36 हो गया, इसका आंसर ये आ गया। दूसरे का है कुल 500 में जाहिर होने आदाद की जमा 8 है, तो 16 होगा इसके 2 4, ये 8 वाले दिख लिए। इसी तरह तीसरा है कुल 500 में जाहिर होने वाले जमा 12 है, तो ये हो गया यहाँ पे 12। इसी तरह चौथा है 500 पे जाहिर होने वाले आदाद का हासिल जमा 4 है, तो मुमकिन नंबरात क्या आ सकते हैं वो ये दे रखे हैं। इसी तरह मुमकिन नंबरात यहाँ पे दे रखे हैं, फिर 500 में आने वाले जो नंबरात हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। ताक नंबर अगले के दे रखे हैं, ये रहे, फिर छठे का दे रखा है यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ पे पूरा आपका TMA जो है पूरा हो गया। उम्मीद है कि आपको ये TMA पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ NIOS उर्दू में इंफॉर्मेशन के लिए और उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ने के लिए। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, होम साइंस सब पे बनी हुई है, ज़्यादातर सब्जेक्ट पे बना रहे हैं और हमारी टीम का वर्क कर रही है। अगर आपको PDF और जो है कुछ भी चीज़ें चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो और असाइनमेंट की PDF चाहिए हो, प्रैक्टिकल की PDF चाहिए हो, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो सब पेड है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, आप भारत में जहाँ जहाँ से, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल से जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शुक्रिया।